हेलो फ्रेंड्स, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में और आपको ले चल रहे हैं अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा, जो कि लाल दरवाज़ा एक मार्केट है, स्ट्रीट मार्केट है। और इस मार्केट में दिवाली के समय काफ़ी भीड़ रहता है, जो कि पूरा मार्केट आपको घुमाएंगे। और ये जो दिख रहे हैं अपने सामने, ये सीधी सैयद की जाली है। इसका एक अलग से वीडियो बना के आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा। हाल फिलहाल क्या है कि लाल दरवाजे के पास ही ये पड़ता है, इसके लिए चलते समय रास्ते में यह है, इसीलिए मैं दिखा दिया आपको थोड़ा सा। और यहीं से हम लाल दरवाजे के अंदर एंट्री होने जा रहे हैं। और यहाँ से देख सकते हैं सारे बैग वगैरह ये सब लगा हुआ है, बैग हो गया, बेल्ट हो गया, सूटकेस हो गया, सभी चीज़ें ए टू जेड हर सामान यहाँ पे आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सब कम दामों में मिल जाता है। क्या भाव भाई? गुड़ वाला 100 का, शक्कर वाला 80 रुपए का, 250। 250 ग्राम का? हाँ, 250 ग्राम का 100 और ये 80। रेट तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है यार। आजा फिर फूलों का भाव पूछते हैं क्या रेट है। चलो फूलों का भाव पता करने। क्या भाव है भैया ये वाला, इधर वाला? बोर्ड सेट में वो 350 का दो है, चौरस वाला लेने का 300 रुपये का दो आएगा। दोस्तों, गुजरात का शहर अहमदाबाद अपनी धरोहर और संस्कृति को लेकर जिसको लंबे समय से जाना जाता है। और अगर आपको भी इस शहर के बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो आप भी इस शहर में शॉपिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा बाज़ार की कुछ खास चीज़ों के बारे में, जो कम दाम में आपको अपने मन मुताबिक चीज़ों को ख़रीदने का मौका देती है। इस बाज़ार की खासियत यह है, यहाँ स्ट्रीट पर लगी दुकानें जो यहाँ की रौनक को बढ़ाने का काम करती हैं। इन दुकानों पर आपको हर चीज़ की कई वैरायटी मिल जाएगी। आइए जानते हैं अहमदाबाद के लाल दरवाज़ा मार्केट में बिकने वाले इस खास चोकर के बारे में, जो अलग अलग डिज़ाइन और किफ़ायती दामों में आपके लिए मौजूद है। यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े तक का हर चीज़ वस्तुएं मिलती है। और मेन यह है कि यहाँ पे हर चीज़ एक कम से कम रेट में आपको यहाँ पे मिल जाती है, जो कि बाकी दुकानों से मुताबिक यहाँ पे बहुत काफ़ी कम रहता है। 200-300 में तो जूते यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। कई जगह आप मेरे वीडियो में देखेंगे जो कि रेट लगा रखा है बोर्ड। Thank you.
इधर से निकलना ठीक रहेगा जी अभी ना कोई सीन के नाम आगे उतना बोल देती हूँ।